कौरमा वैसे भी नहीं बताई, बता देंगे। कब बताओगी? कल परसों, जब तुम कहो। ठीक है, बता देंगे अच्छे से, आराम से। अभी थोड़ा टाइम भी नहीं था, तुम लेट उठी हो सो के। हमने कहा था रात में चिकन ले आओ, तुम नहीं तब भी फिर सुबह कैसे हो? नहीं हो पाता इतनी जल्दी, खाना का टाइम हो जाता, इसलिए कल बता देंगे। हाँ कल बता देंगे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कुछ आम भी सबक जाम है आप सबका। अम्मी आप कर दो, मेरा हाथ बिजी है। आप सबका स्वागत है। हाँ तो फ्रेंड्स, आज ना हम लोग के बड़े पापा आ रहे हैं, बड़ी अम्मी आ रही है, तो उसी के हम लोग ऐसे थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे। वो लोग बस एक दिन के लिए आ रहे हैं, तो अम्मी ने सोचा हम चिकन बना ले, तो बस अम्मी वही बना रही थी, तो बस अम्मी अभी चिकन बना रही थी। अभी हमने चिकन ला के दिया और पैसे थोड़े कम पड़ गए, तो हम बस 50 का ही दही ले आए, तो अम्मी कह रही और दही लगेगा, तो अभी हम फिर दही लेने जा रहे हैं। 2.5 किलो चिकन है, तो आप कम से कम उसमें 1 किलो दही तो होना चाहिए ना। ये ले आई इतना से आधा किलो दही। अम्मी से मेरी कोई गलती नहीं, जितने पैसे बचे थे आप इनको जब कम पैसे तो क्यों नहीं दिए? अम्मी पैसे आपने कम दिए थे, इनको पैसे ज्यादा देना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं इनसे हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे दो, मैं बचाऊंगी नहीं। इनको ऐसा लगता है कि ये पैसे बचा लेगी, तो कम पैसे देती है, इन्हें ज्यादा देना चाहिए, बच जाते मैं वापस ले आती। अब दुकान में वहाँ चिकन में ही पूरे पैसे लग गए, बचे थे 50। देखो ऐसे तो सब कुछ मैं सबक बोलती हूँ, सब तेरा ही है, लेकिन हिसाब तो बराबर होता है ना, हिसाब हम एक पैसे का लेते हैं। अरे तो हिसाब बराबर होता तो कम। अब देखिए इतने धूप में दोबारा चक्कर लगा, अगर हम आप पहले ही थोड़े ज्यादा पैसे देती तो क्या होता, ये बताओ। हमने कहा था सारा सामान रात में ला के रख लो, सुबह ले आएंगे। सुबह क्या क्या करो बताओ, इतनी जल्दी इतना खाना बनाना, हमने इतनी बार बोला, उसमें भी 4 बार उठाया तभी उठी, उठने का नाम नहीं ले रही। अच्छे पैसे कम दिए मान लो, कोई बात नहीं कम दिए तो। हाँ। हमने कहा था 400 का चिकन ले आना और 100 का दही ले आना। हाँ। अब क्या पता हमें कब महंगा होता। चिकन वाले भैया कभी रेट बढ़ा देते हैं, कभी कम। हाँ। कर देते हैं। वहाँ पे मेरे पास 550 रुपए में लेके गई थी फ्रेंड्स, 550 में क्या हुआ कि 500 का तो चिकन आ गया, बचे 50, तो बस फिर मैंने 50 का दही ले लिया। हाँ। मुझे लगा हो जाएगा। हमने दही लिया ही सालू। हाँ। इतना बहुत खराब, हमारा मन खराब हो गया। दुकान वाले भैया देंगे उतना ही तो लाओ, चलो लाओ पैसे लाओ, 200 रुपए देना, बताओ क्या लाना है, मिर्ची धनिया जो भी मंगाना है सब मंगा लो। हाँ, आप सही है, 500 दिए, आप 100 रुपए की चीज में 500 दिए, ये सही किया है। आप इसे एक्स्ट्रा दिया करो, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ हिसाब बराबर रखो ना। हाँ, तो एक सामान ले जाती, 10 खरीद के लाती, ये भी ले लो, अम्मी के पैसे है ना। हाँ, तो अभी क्या क्या लाना जल्दी बता दो। पाभर वो लिया ना, मावा, खोवा, खोवा फिर ना कम पड़ जाए। नहीं नहीं बहुत है, उतना ही डलता है बस। और वो दही लिया। तो फ्रेंड्स अभी मैं जाने लगी थी दही वो सब लेने, और बड़े पापा लोग नीचे ही मिल गए, तो फिर मैंने उन्हें पहले ऊपर लाई। फिर सबको सेट वेट करके हम और रिजा गए अम्मी का दही लेने। फिर हमने सोचा गर्मी है तो नारियल पानी पिलाना चाहिए, तो सोचा नारियल पानी ले ले। भैया नारियल पानी चाहिए, कितने का दिया? बिना मलाई वाला सही लगाना, 4 कप चाहिए। कितना हुआ, कितने का एक हुआ 160 में? 40 का नहीं, 35 का दो। अरे 30 का भी देते थे। अच्छा ठीक है, दे दो, थोड़ा तो कम कर दो। रिहान, रिहान का मुंह देखो, मतलब बच्चों को बहुत शर्म आती है जब मेहमान आते हैं तो कुछ देने जाने में। कैसे कहा है सिस्टम फिर बन गया? अरे तुम्हारा कुछ नहीं, ये चाय कराओ बेटा। नहीं नहीं, क्यों? मैं बीमार आदमी हूँ। नहीं नहीं, बड़ी अम्मा भी तो बोलता है वो कर। आज बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी आए हैं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा कभी, तो अभी आप पहली बार देख लीजिए। तो ये बड़े पापा आए। हाँ नहीं देख रहे हैं ना, बिल्कुल साफ देख रहे हैं। बड़े पापा कानपुर से आए हैं, बड़ी मम्मी दोनों ये लोग कानपुर में रहते हैं, तो ये पापा को देखने आए थे। तो अम्मी कुछ बोलो, अम्मी तो जब से बातें कर रही है बड़ी अम्मी से, बातें नहीं खत्म हो रही है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। हाँ, और अपना कोई कभी मिलता है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सीडेंट हो गया कैसे? अरे यहाँ भी लेके सब खेत वहाँ पे। मैं
इसी का देखता रहता हूँ खाली पुराने वाले जो अच्छा अभी देखिए तीन तीन चाय चढ़ी है, एक भाई की, एक भाभी की और एक बड़े पापा बड़ी अम्मी की। फिर देखिए तो ये चाकू नहीं चलते, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा ब्रांड बताइए जिसके चाकू बहुत अच्छे से चलते हो और हाथ भी ना खाते। और ये प्याज जब बीच से ऐसी निकल जाती है ना तो बहुत ख़राब लगती है। फिर भाई का ये एग वाइट ऑमलेट, ये भी हमने सोचा उस वक्त बना दें क्योंकि भाई से ऑमलेट ही खाते हैं, फिर एक बार ही खाना खाते हैं। और ये भी भाभी की चाय छानी है, देखिए मैं एकदम प्रोफेशनल चाय वाली बन गई, वैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मतलब मम्मी अब आज भी नहीं मेरी शिकायत करना छोड़ोगी? दोनों अलमारी पूरी खुला है, ऐसी पड़ी है। चुप रहो, मतलब मौका मिलना चाहिए सबको बताने का, जो भी आएगा सबको बताओगी तो कोई भी देखेगा। अब तो पूरी दुनिया को बता दो। बड़े पापा ये कह रहे हैं सबके घर में ऐसे ही होता है। हाँ देखो मेरा साइड ले लिया, अब तो नहीं आप बोलोगे मुझे? नहीं बोलेंगे, चलो बना दो ऑमलेट भाई के। जाओ आप ब्लॉग बनाओ सबका शूट करके लाओ। नहीं आप ऐसे जाओ सबको शूट करके लाओ, बोलो सबसे क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे करो, क्या कर रहे साना? हम भी ब्लॉगिंग करेंगे। क्या कर रहे हो किसान? बैठे हैं अम्मी। अच्छा हाँ ब्लॉगिंग कर रही हो आज? हाँ सारू ने दीदी की जॉब बना के आओ। अच्छा बड़े पापा से मिलने आए हो ना? नहीं मैं तो ऐसे घूम रही। तुम बेटा क्या कर रही हो? बस आप सबसे, बड़े पापा से सबसे मिलने आए हैं। मैं चाय पी रही हूँ अभी, ये देखिए रिजा ने चाय बना के दी अच्छी सी। चलो पापा पूछो। हाँ बोलो भाई क्या कर रहे हैं? बस बैठे हैं। खाने का टाइम हो गया? तुम बता। हाँ बोलो। तुम बता। बोलो भाई। हाँ बताइए। क्या कर रही है? बैठे हैं सबसे मिल रहे हैं। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा सबसे। हाँ। और रेहान जी तुम हर क्या कर रहे हो? तुम मैं बैठा हूँ सबके साथ। तुम्हारी ड्यूटी लगाइए दरवाजा खोलने में। सालू क्या कर रही है? भाई का आमलेट बन रहा है। चाय बन गई बड़े पापा की? बन रही है। ठीक है चलो हो गया। चलो आपको तो आपको मजा आया। अम्मी ने बहुत गौर से सुना है, जब हम सब अम्मी को पूछा कर रहे थे कैमरा के पीछे से, तो अम्मी ने सब याद रखा क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब कैसे पूछती है, कैसे बातें निकालती है, मैंने सब वो ही किया है। नहीं ठीक है ठीक है। हाँ चलिए ले लेंगे ना, जाइए आप भी। अच्छा तुम बोलो। चलो आराम कर। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी जी अल्लाह हाफिज़। खा चुके भाई, आप कब खाओगे चिकन? मैं शाम तक। शाम तक सब मुझे बोल रहे हैं क्या भाई डाइट डाइट करते हो, कभी दही समोसा चाट खा रहे हो, कभी ये खा रहे हो। नहीं लेकिन फिर आप एक ही मील तो खा रहे हो। हाँ लेकिन दिन भर में एक ही मील। हाँ दिन भर में एक और कई दिनों बाद आप खाते हो। हाँ वही तो ना, कि ऐसा हो सकता है कि अम्मी चिकन बनाए और मैं खाऊं नहीं कभी? ये बात भी है। हाँ बोलो। जिस दिन घर में अम्मी के हाथ का चिकन बनता है या सबा की बिरयानी बनती है, तो उस दिन तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि डाइट का तो कोई नाम ही ना निकाले। शोएब पहले थोड़ा सा कभी कभी स्टाइल मारते हैं कि मुझे सिर्फ पीस पीस दे देना, फिर जब बैठते हैं तो प्लेट को देख के बोलते हैं चलो आज खा ही लेता हूँ। तो मैंने एकदम मजे से बहुत ही यम्मी चिकन बना था। ये देखो ये बोलती भाई क्योंकि भाई एक तरफ खाता और एक तरफ सोचता भी है कि अभी खुल के बोले मेरे अम्मी के हाथ का चिकन मैं छोड़ सकता हूँ, हो ही नहीं सकता। अब आप रेसिपी बताना। हाँ बता देंगे।
तारीफ कर रहे थे हाँ, उनको भी बहुत अच्छा रहे। बना है कह रहे हाँ। थे बना इतना अच्छा था। और अम्मी जब चिकन बनाती है तो बाहर तक खुशबू आती है तो हमको पता चल जाता है ऊपर हमारी, अरे हमारी लिविंग रूम की विंडो अगर खोलो तो खुशबू आती है, तो पता चल जाता है कि नीचे कुछ चिकन बना है। जैसी सास बनाती है वैसे बहू भी मिल गई है, उसने इतना सारा नमक डाल दिया नूडल्स में, नूडल्स आपसे ये तो पूछ लिया रेसिपी में, ये नहीं पूछा कितना डालना है अंदाजा, तो नमक बिरयानी सीख गई है बहुत अच्छे से, धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी। ठीक है ठीक है, अब सीखोगे इस बार रमजान में सीखोगे आप। इस वीडियो को एंड करते हैं और आज अम्मी ने बहुत अच्छा चिकन बनाया था उसके लिए अम्मी को थैंक यू, और आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसकी रेसिपी बताएंगे। मैं आज ही बता देती लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए मैं अगले बार नेक्स्ट वीडियो में जरूर 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 आपको रेसिपी बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।